जी मम्मी, आपने बुलाया। हाँ पता करो, अफान अभी तक तैयार होकर पहुंचा क्यों नहीं? आ रहा होगा मम्मी, थोड़ी देर तक आ जाएगा। मुझे डर है कोई गड़बड़ ना कर दे। तुम ध्यान रखो, फोन करो, पता करो उसका। मम्मी बार बार उससे पूछेंगे तो वो चिढ़ जाएगा, आप जानती हैं उसे। और मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि वो आयमा से शादी है। यकीन तो मुझे भी नहीं था कि तुम कुछ प्रॉपर्टी एमएल के नाम कर दोगे। पता करवा लिया मैंने, तुम सबके सब निकम्मे हो, सब चोरू के गुलाम बन चुके हो। एनीवेज ये बात तो मैं बाद में तफसील से करूंगी, अभी तुम उसे कॉल करो और उसे कहो फौरन पहुंचे। क्या हो? फोन नहीं उठा रहा मम्मी। मैंने आपसे कहा भी था, कि रोज जबरदस्ती उससे रिश्ता ना करवाए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ? मम्मी मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसे थोड़ा सा टाइम दे देते, थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझाते तो शायद वो राजी हो जाता खुशी खुशी। डील दे देकर तो यहाँ तक पहुंची है बात। उसे उसे हर हाल में आज आयमा से निकाह करना होगा। उसे फोन करो और उससे बोलो फौरन पहुंचे, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ अफान, कहाँ हो तुम यार? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मम्मी भी। हाँ हाँ शरियार, मैं आ रहा हूँ, मैं आकर बात करता हूँ। मेरे मोबाइल की वैसी बैटरी लो है, मोबाइल बंद हो जाएगा। अफान तुम हो कहाँ यार? मम्मी परेशान हो रही है। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। अफान क्या हुआ? क्या क्या कह रहे हैं वो? कहाँ है? आपके सामने पूछा है मैंने और उसने मेरी बात टाल दी, मुझे बताया ही नहीं कहा। बस अब इतना कह रहा है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इंतजार तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये लड़का भी ना